कोटा में कोरोना वायरस के फैलते हुए संक्रमण के बीच लॉकडाउन में पुलिस लगातार दिन रात मेहनत कर रही है और कर्फ्यू वाले इलाकों में भी लगातार गश्त कर रही है। ऐसे में इन पुलिसकर्मियों की मेहनत और जज्बे को देखते हुए कई सामाजिक संगठन भी आगे आ रहे हैं और इनके लिए पानी और छाछ की व्यवस्था कर रहे हैं। इसी कड़ी में सूरजपोल गेट पर हाड़ौती विकास मोर्चा की ओर से पुलिसकर्मियों के लिए खाने के साथ में छाछ की भी व्यवस्था की गई। मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र सांखला का इस पर कहना है कि ये पुलिसकर्मी दिन रात हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए इनकी मदद करना हमारा परम ध्येय है। कोटा शहर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं समाज सेवी लोग भी आगे आ रहे हैं और आगे आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हाड़ौती विकास मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र सांखला, उन्होंने एक नई पहल की है जहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं उनके लिए चाच और ठंडे पानी की व्यवस्था की है। साथ में एक व्यवस्था और की है, जो कर्फ्यू ग्रस्त इलाका है उस क्षेत्र में लोगों को सब्जी के पैकेट पहुँचाए जाए, उनको एक रात सामग्री प्रदान की जाए। हमारे साथ शहर एडिशनल एसपी मौजूद हैं दिलीप सैनी। दिलीप सैनी जी, किस तरह का प्रयास है, किस तरह देखते हैं इसे? बेसिकली पुलिस अनकंडीशनली लंबे आवर्स के लिए डिप्लॉयड है और हम बहुत ही कम लोगों की संख्या होने के बावजूद भी, और प्रयास ये कर रहे हैं कि शहर में पूरी तरह लॉकडाउन और सरकार के जो निर्देश हैं उनकी पूरी तरह पालना हो, डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए ताकि कोरोना के और संक्रमण को फैलने से पूरी तरह से हम उसमें कामयाब रहें। तो इसके लिए सभी लोग कोटा शहर में लगे हुए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। जो जिस तरह से मदद कर सकता है वो उस तरह से अपनी मदद कर रहे हैं। पुलिस मुलाजमान अपनी आउटपुट दे रहे हैं, इसके अलावा दूसरे विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी अपना बेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। खास बात देखने में ये आई कि यहाँ के जो नागरिक हैं और यहाँ की जो संस्थाएँ हैं वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। उनकी तरफ से वो सब लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो सब लोग जिनके घर में चूल्हे नहीं हैं, वो सब लोग जो मजदूर हैं कहीं बाहर से आए हुए थे, जो खाना पका नहीं सकते उनको प्रिपेयर्ड खाना दे रहे हैं, और जिन लोगों के पास घर तो है, रहने को चूल्हा तो है, लेकिन उसकी सामग्री किसी न किसी तरीके से खत्म हो गई है, तो उनको भी सभी सामाजिक संस्थाएं और यहाँ के जो भामाशाह हैं और यहाँ के जो आम नागरिक हैं वो बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं और उनको राशन के पैकेट भी वितरित कर रहे हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर कहा जा सकता है सामाजिक संगठन लगातार आगे आ रहे हैं। सामने की तस्वीरों में दिखाएंगे, एक गाड़ी में पूरा सब्जियों से भरी थैलियां रखी गई है जिनको कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में पहुंचाया जाएगा। हमारे साथ हाड़ौती विकास मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। किस तरह से सर ये राहत सामग्री लोगों तक पहुँचाई जा रही है और किस तरह का हाड़ौती विकास मोर्चा ने बीड़ा उठाया? देखिए, जब से कोटा में कर्फ्यू लगा है पुलिस कर्मचारी और अधिकारी 18-18, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। हमारा शहर के होने के नाते, नागरिक होने के नाते फर्ज है कि हम इनका ध्यान रखें, क्योंकि सबसे फ्रंट लाइन में अगर कोई है तो पुलिस है। इनके लिए पानी की व्यवस्था, इनके लिए खाने की व्यवस्था, आज इनके लिए छाछ की व्यवस्था भी की गई है, और हमें कोई जानकारी मिलेगी इनके लिए व्यवस्था करनी है वो हम इनके लिए करेंगे, और हमें ही नहीं और भी जो सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं उनको आगे बढ़कर आना चाहिए। जिस तरह की महामारी यहाँ पर पहुंची और महामारी के बाद में पुलिस के जवानों का जिस तरह से समाज सेवी संगठन हौसला बढ़ा रहे हैं वो काबिले तारीफ लायक है। कैमरामैन दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज, A1 के लिए कोटा से।